हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिंपल लाइफ। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी यहाँ आज है फ्राइडे, फ्राइडे का शाम हो रहा है, 7 बज रहा है। खाना वाना हम बना लिए हैं और अब निकल रही हूँ मैं ग्रॉसरी के लिए। किचन का कुछ कुछ सामान खत्म हो गया था, वो लेना था। तो मोस्टली हम लोग ऐसे ही वीकेंड में ही करते हैं, सैटरडे संडे में ही करते हैं, लेकिन आज फ्राइडे जल्दी ऑफ हो गया था ऑफिस वगैरह, खाना वाना भी बना लिए थे, तो हम लोग को लगा चलो आज ही ग्रॉसरी कर लेते हैं अगर कल वेदर अच्छा रहा तो। अभी हम लोग फॉल में कहीं गए नहीं है, तो कल कोशिश करेंगे वहाँ जाने का अगर वेदर अच्छा रहेगा तो। तो इसलिए मुझे लगा आज ही हम लोग ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं, फिर कल फ्री रहेंगे। तो यहाँ का एक वॉलमार्ट स्टोर है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। दो तीन स्टोर जाएंगे, लेकिन वॉलमार्ट का मैं अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ, आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। तो आज जा रहे थे तो मुझे लगा चलो वीडियो भी बना लूँगी और वहाँ से जो भी ग्रॉसरी वगैरह लेना है वो ले लूँगी। तो यहाँ वॉलमार्ट स्टोर जैसे डी मार्ट वगैरह इंडिया में होता है, वैसे यहाँ वॉलमार्ट होता है। रोज़मर्रा घर की चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं फिर वहाँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ वॉलमार्ट और यहाँ पे अभी ब्लैक फ्राइडे डील चल रहा है। ब्लैक फ्राइडे क्या होता है, यहाँ पे थैंक्स गिविंग होता है नवंबर के लास्ट जो थर्सडे होता है, उसको थैंक्स गिविंग यहाँ लोग मानते हैं। तो उस टाइम बहुत ऑफर चलता है, उसके बाद जो फ्राइडे आता है उसको ब्लैक फ्राइडे बोलते हैं। तो इन दोनों दिनों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑफ़र वगैरह चलते हैं, सबका प्राइस देखिए लो प्राइस करके निकाल देते हैं। तो जैसे हम लोग के दिवाली वाली पे सारी चीज़ें थोड़ी ऑफर में आती हैं, वैसे ही इस टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छी डील होती है। ये जैसे टीवी है, इस टाइम बहुत अच्छे डील पे मिल रही है यहाँ पर। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो इस टाइम आप चेक करेंगे तो बहुत अच्छी डील मिल जाती है सारे सामान में, इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे जो भी हो, बहुत अच्छी डील होती है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये बेडशीट है। यहाँ के बेडशीट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते क्योंकि कॉटन मिक्स होते हैं, एकदम प्योर कॉटन नहीं होता जैसे इंडिया जैसा, और प्राइस भी बहुत होता है, 23, 24, 25 डॉलर तक आते हैं, मतलब इंडिया के 1800-1900 तो रुपए तक मिलते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। तो आप अगर बेडशीट वगैरह ले आते हैं तो इंडिया का बहुत ही अच्छा होता है, कॉटन होता है, तो क्लीन व्लीन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ के अच्छे होते हैं लेकिन यहाँ का मिक्स होता है इसलिए बेड पर सेट नहीं होता है थोड़ा। और यहाँ पर मैं ये डाइनिंग टेबल वगैरह के लिए मिलते हैं, कवर वगैरह ये सारे यहाँ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये सारे ब्लैंकेट हैं, ब्लैंकेट भी यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। सिर्फ बेडशीट मुझे लगता है कि यहाँ का थोड़ा अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पे इसमें भी ऑफर लगा हुआ है, ये $6 का भी मिल रहा है। ब्लैंकेट वगैरह, छोटे ब्लैंकेट वगैरह आपको 8-9 डॉलर में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, आपको बड़े लेने हैं तो 40-50 डॉलर तक अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। और यहाँ सारे ये DIY करने के लिए, या फिर आपको जो भी पेंटिंग वगैरह करनी है घर के लिए कुछ बनाना है, और यहाँ पे लैस वगैरह सब कुछ, अभी फ़िलहाल सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ऑफ लग रहा था मुझे, मुझे इन सब में कुछ लेना नहीं था, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए बना ली थी। और यहाँ पे ये सारे बीट्स वगैरह मिलते हैं, आपको नेकलेस बनाना है, ब्रेसलेट बनाना है, ये सब बना सकते हैं। मैं भी एक बनाई हूँ, कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तभी बनाई थी। और ये सारे फ्लावर वगैरह हैं, इन सब में भी अभी मैं बीच में फिर गई थी तो बहुत मतलब ऑफर आ गया था, सब 3-4 डॉलर के एक फ्लावर जो मिल रहे हैं अभी 1-2 डॉलर में हो गए हैं। और ये है जूते का सेक्शन यहाँ पे। किचन वाले सेक्शन में, और यहाँ पे किचन की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सब कुछ मिलता है, जैसे कद्दूकस करने के लिए है, छन्नी है, और चाकू, छिलनी, ये पलटा वगैरह, कलछल वगैरह, ये सारे मिल जाते हैं। इंडिया से थोड़े तो महंगे होते ही हैं, जैसे ये 3 का पेयर है तो $10-11 में है, तो 700-800 के करीब पड़ेगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक का प्राइस यहाँ पे। यहाँ पे शायद कोल्ड ड्रिंक मुझे इंडिया से थोड़ा सस्ता लगता है, अभी मुझे इंडिया का प्राइस नहीं पता है, बट ये 6 का जो पेयर है यहाँ पे $3 में मिल रहा है, तो यहाँ पे ये मुझे लगता है कि सस्ता है इंडिया से, अभी मैं इंडिया का प्राइस एग्जैक्ट नहीं जानती हूँ। और ये मैं बेकरी की साइड आ गई हूँ, यहाँ पर भी बेकरी की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो ये $3 का है। ये कुछ ऐसे ही केक सैंडविच टाइप है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है।
और अब मुझे जो लेना था वो मैं ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ से एक प्याज का बंच ले ले रही हूँ और टमाटर लूँगी। उसके बाद हम लोग को इंडियन स्टोर भी जाना है, इसलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन देखते हैं आज जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा टायर का एयर प्रेशर कम बता रहा है, ठंड पड़ रही तो शायद उसकी वजह से कम बता रहा है। तो पहले हम लोग वो करेंगे, उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल चलेंगे। और ये मैं लहसुन का प्राइस यहाँ दिखा रही थी, तो ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ, जल्दी से ले के फिर वो रात हो रही है तो पहले वो काम कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर कल सैटरडे छुट्टी रहेगा, कल चलेंगे। तो यहाँ पे मैं बनाना और एक ऑरेंज ले ले रही हूँ। और अब हम लोग बिलिंग करा रहे हैं। यहाँ पे आप खुद से बिल कर सकते हो, या सेल्फ बिलिंग के लिए भी होता है, आप काउंटर पे भी जाके कर लेते हो। तो अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे काउंटर पे बहुत भीड़ होती है, तो हम लोग अपना सेल्फ बिलिंग कर ले रहे हैं। और बिलिंग करने के बाद अब हम लोग चलेंगे सीधे घर पे। और यहाँ आ गए हैं घर पे। और स्टोर जाना था, इंडियन स्टोर और कॉस्को वगैरह, लेकिन वो अब सब हम लोग कल जाएंगे, क्योंकि कॉस्को बहुत जल्दी बंद हो जाता है, टाइम भी हो गया है। तो वहाँ पे हम लोग सोचेंगे सोच रहे हैं कि सैटरडे जाएंगे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग का क्लिप है, सैटरडे मॉर्निंग का नहीं हो रहा, अभी 12 बजे के करीब हो रहे हैं, क्योंकि सैटरडे थोड़ा लेट होता है उठने में, 9 बज जाते हैं उठने में। उसके बाद फ्रेश होना, नहाना धोना, घर का काम, चाय पानी। तो उसके बाद मैं नाश्ता नहीं बनाई, मुझे लगा चलो सीधे हम लोग लंच ही कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करेंगे फिर लंच करने में बहुत लेट हो जाता है। तो सैटरडे कभी कभी अगर लेट हो जाता है तो मैं नाश्ता नहीं बना के सीधे लंच ही बना देती हूँ। तो कल मैं चने की सब्जी बनाई थी रात में, वो बची हुई है, तो उसके साथ मुझे लगा चलो आज पूड़ी निकाल देते हैं। और आज जाने का सोचे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेदर, अभी थोड़ा मैं बाहर का वेदर दिखाऊंगी आपको, थोड़ा स्नो भी पड़ रहा है हल्का एकदम लाइट, तो शाम को दिखा रहा है, शाम तक ठीक हो जाएगा। अगर ठीक होगा तो कॉस्को के लिए जाएंगे, क्योंकि कॉस्को वीकडे में नहीं जा पाते, क्योंकि जाते जाते फिर कॉस्को बंद हो जाता है। और यहाँ पे देखिए बाहर का व्यू, देखिए आए पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन छोटा छोटा स्नो टाइप पड़ रहा है। तो मुझे लगा, हम लोग को लगा नहीं जाएंगे, क्योंकि स्नो में बाहर नहीं निकले तो अच्छा रहता है, लेकिन शाम तक देखा वेदर ठीक हो गया था, तो हम लोग कॉस्को भी गए हैं, आगे क्लिप में आप लोग देखेंगे। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। कॉस्को जाने के लिए, और कॉस्को से इसके पहले हम लोग गए थे तो मैं वहाँ से इनर ली थी थर्मल, क्योंकि यहाँ पे विंटर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो मुझे थोड़ा टाइट हो रहा है, मैंने बहुत एक्स्ट्रा स्मॉल ले ली हूँ, तो वह मैं सोच रही हूँ रिटर्न करके दूसरा ले लेती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि चीज़ें बहुत अच्छे से रिटर्न हो जाती हैं, अगर आपके पास बिल है तो भी अच्छा है, अगर बिल नहीं भी है तो भी चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं यहाँ पर। तो वही मैं ट्राई की थी, तो छोटा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे वही फ़ोल्ड कर रही हूँ, आज जा रहे थे तो मुझे लगा कि चलो इसको रिटर्न करके एक बड़ा साइज़ ले लेती हूँ इससे। तो अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे, ये सब कर लेंगे, बिल देखते हैं, अगर बिल रखे होंगे तो ले लेंगे, अगर नहीं रखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे बाहर निकलते बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, क्योंकि घर पैक रहते हैं तो गर्मी से नहीं पता चलता है कि कितनी हवा है, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो बहुत तेज़ हवा है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ ताकि कार में पहुँच जाऊँ। यहाँ विंटर इतनी पड़ती है कि घर में से निकल के कार में बैठने तक भी बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है,
तो चलिए फिर मैं आपको स्टोर में मिलती हूँ। उसके पहले स्टोर के पहले ही कॉस्को से पहले हम लोग पैट वो लेंगे, गैस लेंगे। और यहाँ पे मैं ये क्लिप आप लोग को दिखाने के लिए ली हूँ क्योंकि यहाँ पे गैस अपने से भरना होता है, यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं होता कि कोई भरे, अपने से खुद से भरना होता है। तो गैस लेने के बाद फिर हम लोग स्टोर में अंदर चलते हैं। ऐसे ही फ़ोन वगैरह देख रहे थे, एप्पल का नया फ़ोन आया है तो और सारे फ़ोन्स वगैरह थे, तो हम लोग ऐसे ही फ़ीचर देख रहे थे। अभी लेना नहीं था, सिर्फ ऐसे ही आए थे तो देख लिए। और ये सब दिखाने के बाद मैं एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ। ये है सारे डायमंड का नेकलेस, चैन और रिंग वगैरह है, तो ये भी यहाँ पे कॉस्को में मिलता है। और हम लोग को जो लेना था वो ले लिए हैं और मैं यहाँ पे गाड़ी में रख रही हूँ। इसके बाद यहीं पास में कोल्स करके शॉप है, तो वहाँ पे हम लोग पहले जाएंगे क्योंकि इसके पास में ही है, तो हम लोग को लगा चलो वो लेते हैं क्योंकि अभी ब्लैक फ्राइडे ये सब थैंक्सगिविंग वगैरह का डील चल रहा है, तो मुझे हम लोग को लगा चलो देख लेते हैं कुछ डील है क्या। तो यहाँ पे मैं इस स्टोर में आ गई हूँ और यहाँ पे कुछ भी कोई भी डील नहीं चल रही थी, तो अब चल रहे हैं इंडियन स्टोर। और इंडियन स्टोर के बाद हम लोग आ गए हैं घर पे। वहाँ और घर आने के बाद सबसे पहले मैं चाय रखी हूँ, और जब तक मेरी चाय हो रही तब तक मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैं इंडियन स्टोर और वहाँ से क्या लेके आई हूँ कॉस्को से। तो ये कॉस्को का है, कॉस्को का दूध ये बहुत अच्छा होता है, तो फिर हम लोग जब जाते हैं तो ये 3 बॉटल इसलिए मैं ले ली हूँ। और वहाँ का अनार भी बहुत अच्छा होता है, तो अनार लिए हैं और ब्रेड वहाँ से ली थी। और ये सारा इंडियन स्टोर का है सब्जी। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।